और अब बात होगी उत्तराखंड के अल्मोड़ा वनाग्नि पर सीएम धामी का एक्शन। सीएम धामी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड इसमें किया है। लापरवाही के मामले में 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। डीएफओ अल्मोड़ा, सीसीएफ कुमाऊं, जिनको सस्पेंड किया गया है। चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ को भी इसमें सस्पेंड किया गया है, क्योंकि सीएम धामी की तरफ से पहले इस बात की चेतावनी दी गई थी कि जिस तरीके से कोई भी अगर इसमें कोताही बरती जाती है, कोई भी लापरवाही अगर किसी के भी सामने आती है, तो इसमें सख्त एक्शन होगा। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने, जरा सुनिए। एम्बुलेंस वहाँ पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए हैं, चारों को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छे से अच्छा जो इलाज है उनके लिए हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आएँ, अपने घरों पर जाएँ। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से किया गया है, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। तो आपने सुना कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त इसमें नहीं की जाएगी, और इसी को देखते हुए, क्योंकि बीते दिनों भी आपने देखा कैसे लगातार कई इलाकों में आग लगी और आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में जाकर फैल रही थी, एक पैनिक की स्थिति वहां पर हो गई थी, कई लोगों को वहां से शिफ्ट कराना पड़ा। और अब सीएम धामी ने यह साफ किया है कि लापरवाही सामने इसमें आई, और लापरवाही के मामले में 3 अधिकारी जिनको सस्पेंड किया गया है, जिसमें डीएफओ अल्मोड़ा, सीसीएफ कुमाऊं जिनको सस्पेंड किया है, और चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ को भी इसमें सस्पेंड किया गया है। तो लगातार तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही है। अल्मोड़ा की फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही, लेकिन फिलहाल अभी तक आग पर किसी तरह की राहत नहीं है, क्योंकि जंगल में आग लगातार फैलती जा रही है। अखबारों में भी इसका जिक्र है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, फिलहाल सीएम धामी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है अल्मोड़ा वनाग्नि पर सीएम धामी का एक्शन। और लगातार कोशिश की जा रही कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल कहीं से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही साक्षी।